कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवद् गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत के भीषण युद्ध के बीच जो कृष्ण ने ज्ञान गंगा बहाई वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक धरोहर है। भगवद गीता दुनिया का सबसे नूतन और अभिनव ग्रंथ है। ऐसी कोई परेशानी इस धरती पर नहीं है जिसका हल गीता में नहीं समाया हुआ हो। गीता कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक ऐसा पारस पत्थर है जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन का मन एकाएक गहरे विषाद से भर गया। अपने ही भाइयों के साथ युद्ध करने का विचार उसे भीतर तक कपा रहा था। अर्जुन शस्त्र डालने को लगभग तैयार ही था जब कृष्ण भगवान ने उसे गीतोपदेश दिया। समस्त मानव जाति अर्जुन की ऋणी है क्योंकि अगर अर्जुन विषाद न करता तो ये गीता रूपी अमृत की बूंदें हमें नहीं मिल पाती। आज के इस वीडियो में हम गीता से जुड़े कुछ अहम प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे जिन्हें शायद हम सभी को जानना चाहिए। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, गीता किसने और किसको सुनाई थी? इसका उत्तर है, गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। अगला प्रश्न, गीता कब सुनाई गई? इसका उत्तर है, आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, भगवान ने किस दिन गीता सुनाई थी? इसका उत्तर है, रविवार के दिन। गीता कौन सी तिथि को सुनाई गई? इसका उत्तर है, एकादशी को। अगला प्रश्न, गीता कहाँ सुनाई गई थी? इसका उत्तर है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। अगला प्रश्न, गीता कितनी देर में सुनाई गई थी? इसका उत्तर है, लगभग 45 मिनट में। अगला प्रश्न है, गीता क्यों सुनाई गई? इसका उत्तर है, कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए। अगला प्रश्न, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है, कुल 18 अध्याय। अगला प्रश्न, इसमें कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है, गीता में कुल 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, गीता में क्या क्या बताया गया है? इसका उत्तर है, गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति सर्वोच्च पद का अधिकारी बन जाता है। अगला प्रश्न, गीता को अर्जुन के अलावा किन किन लोगों ने सुना? तो इसका उत्तर है, गीता को वैसे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही सुनाया था, लेकिन क्योंकि संजय ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरी महाभारत को देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया था, इसलिए संजय और धृतराष्ट्र ने भी गीता का ज्ञान प्राप्त किया। अगला प्रश्न, अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान किन्हें मिला था? इसका उत्तर है, भगवान सूर्यदेव को। अगला प्रश्न, गीता की गिनती किन धर्म ग्रंथों में आती है? इसका उत्तर है, उपनिषदों में। अगला प्रश्न, गीता किस महाग्रंथ का भाग है? इसका उत्तर है, गीता महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, गीता का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है, गीतोपनिषद। अगला प्रश्न, गीता का सार क्या है? इसका उत्तर है, गीता का सार प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना है। अगला प्रश्न, गीता में किसने कितने श्लोक कहे हैं? इसका उत्तर है, गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें से श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक, अर्जुन ने 85 श्लोक, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता की ये अद्भुत जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा।